देखो बच्चों, अपन यहाँ पर फिजिक्स में अर्ध चालक कर रहे थे, ठीक है। तो अर्ध चालक में एक क्वेश्चन आता है, ऊर्जा बैंड अंतराल के अनुसार चालक कुचालक एवं अर्ध चालक को समझाइए। ये मेरे पास यहाँ पर फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आंसर लिखता हूँ। तो नंबर वन क्या आ जाता है, चालक वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अथवा सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि ये सामान्य ताप पर भी सामान्य ताप पर एक दूसरे को अति व्यापित करते हैं। उदाहरण मेरे पास कैसी हो गई, धातुएं हो गई, ठीक है। तो वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर क्या हो जाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इनको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो इसमें ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर अपन संयोजी बैंड और चालन बैंड के सिद्धांत पर अपन देखें तो मैं इनको ऐसा समझ सकता हूँ कि मान लीजिए ये आपके पास ये कंडीशन हो, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मान लीजिए चालन बैंड है, ठीक है। और तो चालन बैंड हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर जो आ रहा है ये कैसा हो गया आपके पास, संयोजी बैंड हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड से संयोजी बैंड में पहुंच जाता है,
इसमें आपके पास जो ऊष्मा की जरूरत होती है ज़्यादा नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉन इजली यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, धातु बोल देते हैं। दूसरा है मेरे पास, दूसरा यहाँ पर है कुचालक, कुचालक वे पदार्थ जो सामान्य, वे पदार्थ जिनमें, ऐसा कर लीजिए, वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नहीं होते, अर्थात संयोजी बैंड, संयोजी बैंड से चालन बैंड, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाते और वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान का मान बहुत अधिक होता है, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण, प्लास्टिक रबार आदि। आप जानते हैं कि कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालन बैंड में संयोजी बैंड से नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, ये जो बंद ऊर्जा अंतराल ईजी का मान बहुत ज़्यादा होता है, ये हो गया आपके पास चालन बैंड, चालन बैंड, और ये हो गया आपके पास संयोजी बैंड। ठीक, तो ये इन दोनों के वर्जित ऊर्जा अंतराल, ईजी का मान बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, कुचालक बोल देते हैं। ठीक, अब जो अपन को यहाँ पर मेनली यहाँ पर पढ़ना है वो है हमारे पास अर्ध चालक, इनको मैं क्या बोल देता हूँ, सेमी कंडक्टर बोलता हूँ, सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, ये वे पदार्थ होते
हैं जो सामान्य अवस्था पर सामान्य ताप पर कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं तथा ऊर्जा ताप या विद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम ऐसा भी बोल सकते अर्थात ऊष्मा देने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं। उदाहरण जर्मेनियम जर्मेनियम सिलिकॉन Si। तो देखिए वो पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर जैसे ही दिया तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मेरे पास इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए? चालन बैंड हो गए, और ये कैसा हो गया आपके पास? संयोजी बैंड। इन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा अंतराल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन को डार्क से हम शो कर रहे हैं। ठीक, और जहां इलेक्ट्रॉन यहां पर जाता है तो उसकी जगह खाली स्पेस बन जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? होल बोल देते हैं, इसको हिंदी में हम विवर बोलते हैं। और ये धनात्मक चालक होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम ऋणात्मक चालक बोल देते हैं। ठीक है, तो इतनी कंडीशन आपके पास आती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए।